अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि आप घर बैठे फेशियल कैसे कर सकते हैं। और ये जो मैंने फेशियल आपको बताया है, बहुत ही अच्छा फेशियल है। इसमें आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अगर आपके फेस पर पिम्पल्स हैं, एक्ने हैं, या आपके डार्क स्पॉट्स हैं, ब्रेकआउट्स हैं, हाइपर पिगमेंटेशन है, तो आपकी स्किन डेफिनेटली क्लियर आउट हो जाएगी। जो भी मैंने आपको इस फेशियल में टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं, आपको वो चीज़ें फॉलो करनी हैं। और आपको वीक में कम से कम एक बार ये फेशियल तो करना ही है। और डेफिनेटली आप पाएंगे बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट ग्लोइंग स्किन, और बहुत तरीके से फ़ायदा करेगा। और आपकी जो भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं, आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, और आपकी जो भी डार्क एरिया है, वो सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस आपको मेरी ये रेमेडी फॉलो करनी है और वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हे, फेशियल करने से पहले आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए। और वॉश करने के बाद मैं अपने फेस पर रोज़ वाटर अप्लाई करूँगी। बिफ़ोर फेशियल रोज़ वाटर अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके फेस पर इंस्टेंट ग्लो आएगा, और जो भी ज़्यादा डर्ट होंगी आपके फेस पर वो क्लियर आउट हो जाएगी। जो भी मैंने इस फेशियल में आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, वो आपको इजीली आपके घर में अवेलेबल हो जाएंगे। सबसे पहले मैं क्लेंजिंग करूँगी, और क्लेंजिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर मिल्क लिया है। ये रॉ मिल्क है, अगर आप चाहें तो बॉयल्ड मिल्क भी ले सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्लेंजिंग करने के लिए मैं हमेशा मिल्क यूज़ करती हूँ, और फेस पर इंस्टेंट ग्लो आता है। अच्छे से आप अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। कॉटन बॉल की मदद से आपके फेस पर मिल्क अच्छे से अप्लाई हो जाता है, और आप देख रहे हैं कि मैं अपने फेस के साथ साथ नेक पर भी अप्लाई कर रही हूँ। नाउ अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग करने के लिए मैंने चावल का आटा लिया है, यानी कि राइस फ्लावर। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप चावल को ग्राइंड करके उसका यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पर लिया है टमाटो। टमाटो को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है, आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। टमाटो आपके फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, इसमें नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। स्किन ग्लोई करने के लिए टमाटो का यूजुअली यूज़ किया जाता है। मैंने इसमें ग्रेटेड टमाटो ऐड किया है, और अच्छे से मैं दोनों को मिक्स कर लूँगी। डायरेक्टली अपनी फिंगर की मदद से मैं अपने फेस पर और नेक पर अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हैं जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ, वैसे ही आप लोगों ने भी करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आपको स्क्रबिंग करनी है। यू कैन सी गाइस कि अपने नेल की मदद से मैं ब्लैक हेड्स रिमूव कर रही हूँ। अब मैंने ये वेट हैंकरचीफ लिया है, इसको मैंने गर्म पानी में डिप किया है, और मैं अपने फेस पर इसे इस तरीके से रखूँगी। आपके फेस पर स्टीम लगनी बहुत ज़रूरी होती है, इससे आपके ओपन पोर्स जो होते हैं उनकी डर्ट इजीली आउट हो जाती है। ये प्रोसेस आपको कम से कम 2-3 बार करनी है। 2-3 बार आपको अपने फेस पर स्टीम देनी है। अब फेस पैक के लिए मैंने यहाँ पर ग्राम फ्लावर लिया है, यानी कि बेसन। और अब मैं इसमें कर्ड ऐड करूँगी, दही ऐड करूँगी। दही ऐड करने के बाद मैं इसमें टमाटो ऐड करूँगी, जो भी मैंने ग्रेट किया था। तीनों का मैं एक फ़ाइन पेस्ट बना लूँगी, और अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। बेसन आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है, यह आपका डार्क एरिया, डार्क स्पॉट्स को भी रिमूव करता है। इफ़ यू वॉन्ट तो आप फेस वॉश की जगह बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। याद रखिए गाइस कि आपको ये पैक अपनी नेक पर भी लगाना है। जो भी आपका डार्क एरिया है, आप वहाँ पर इस पैक को अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इस पैक को अपनी कोहनी पर अप्लाई करूँगी। जहाँ भी आपका डार्क एरिया है, आप इस पैक को अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, एटलीस्ट आपको ये रेमेडी 1 in a week करनी है।
अब आपको 20 मिनट्स का वेट करना है। आफ्टर 20 मिनट्स मैं आपको अपना फेस दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा शाइनी और ग्लोई हो गया है। नाउ यू कैन सी गाइस कि मेरे फेस के जो डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क एरिया है, वो थोड़ा लाइट हो गया है और फेस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है। अब मैं रोज़ वाटर अप्लाई करूँगी। गाइस, जो भी मैंने आपको इस वीडियो में इंग्रेडिएंट्स बताए हैं वो इजीली आपको अपने घर में अवेलेबल हो जाएंगे। डैप डैप करके आपको रोज़ वाटर को अच्छे से अप्लाई करना है। अब आप कोई भी मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एलोवेरा मॉइस्चराइज़र लिया है और मैं अपने फेस पर इससे मसाज करूँगी कम से कम 1 से 2 मिनट तक। याद रखें गाइस, हमेशा मसाज ऊपर की तरफ ही करें, कभी भी नीचे की तरफ हाथ लाकर मसाज ना करें। ये रेमेडी ज़रूर फॉलो कीजिएगा गाइस, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। अगर एक हफ्ते में नहीं तो तकरीबन आपको 15 दिन में इस रेमेडी से फ़ायदा होना ही है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो गाइस, सो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट, कॉमेंट ब्लॉक। तो कैसे लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यू जस्ट नीड टू फॉलो माय रेमेडी एटलीस्ट वंस इन अ वीक। और जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, डेफिनेटली मैं आपको बताऊँगी। और मैं फिर हाजिर हूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।